था घर की तरफ, और अब ये कुछ शिकार मेरे ख्याल लेकर बैठा है। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी ये कुछ शिकार लेके बैठा है यहाँ पर। अगर मैं भागा तो ये मेरी तरफ भागेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। ये देखिए गाड़ी मेरी स्टार्ट है, तेल भी खत्म होने वाला है यार, डर भी लग रहा है। हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे, हम आ रखे हैं रात के करीबन 10 बजने वाले हैं। ये देखिए 10 बजने वाले हैं और आज हम आ रखे हैं कॉर्बेट के जंगल में। और हमने सोचा आज ये जो मेन रोड है, हमने सोचा जाते हैं इस मेन रोड पे और देखते हैं कौन कौन से हमको जानवर दिखते हैं मेन रोड पे। और तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं आगे की तरफ और देखते हैं। देखिए आप, चारों तरफ घना जंगल है, इधर भी जंगल है रोड के और इधर भी जंगल है, और बीच में हम हल्के हल्के जा रहे हैं। हम हल्के हल्के इसलिए जा रहे हैं ताकि कोई जानवर आएगा ना, एकदम से हमसे नहीं टकराएगा, क्योंकि इस समय जो है रोड बिल्कुल ब्लॉक है। इस समय कोई नहीं आता, ना ऊपर से ना नीचे से। अभी हम अपने पूरे ध्यान पूर्वक जा रहे हैं ताकि कोई जानवर आएगा तो हमसे टकराए नहीं, इसलिए हम बहुत हल्के हल्के जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा हमको जानवर मिलता है। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है, ये देखिए, और काफी खूबसूरत नज़ारा है। हवा चल रही है काफी ठंडी ठंडी, लेकिन रात को राइड करने का अलग ही एक नज़ारा है। और ये देखिए इधर की साइड हमारे पूरा कॉर्बेट जंगल है। दोस्तों, पवन भाई को छोड़ के, उनको, राहुल भाई को, सारों को घर छोड़ के आया हूँ। आवाज आ रही है यार टाइगर की, एक मिनट, यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है यार। दोस्तों सामने देखिए टाइगर, ये देखिए पवन भाई, उनको मैं छोड़ के आ रहा था घर की तरफ, और अभी ये कुछ शिकार मेरे ख्याल लेकर बैठा है। अभी ये देखिए दोस्तों, अभी ये कुछ शिकार लेके बैठा है यहाँ पर। अगर मैं भागा तो ये मेरी तरफ भागेगा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। ये देखिए गाड़ी मेरी स्टार्ट है, तेल भी खत्म होने वाला है यार, डर भी लग रहा है काफी ज्यादा। ये है टाइगर साहब, डर लग रहा है, लिटरली कह रहा हूँ मैं, डर लग रहा है इतना। अभी ये शिकार कुछ खा रहा है मेरे ख्याल से। अभी मैं वहां तक पहुंच गया था, वहां तक अगर मैं पीछे जाता हूँ ना ज्यादा और ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, थोड़ा सा मैं पीछे आ गया हूँ, हल्का सा पीछे आया हूँ। इसने मेरी तरफ एक दहाड़ मारी भाई साहब, दहाड़ इतनी खतरनाक मारी ना, कसम से। आप भी बोलोगे अभी भी हल्की हल्की आवाज आ रही होगी, अभी ये शिकार खा रहा है कसम से। अभी ऐसा और कि ऐसा जंगल में ना है, वो तो मैं पवन भाई को छोड़ के घर की तरफ जा रहा था, और ये देखिए मेरे को यहाँ पे जानवर दिख गया। ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों कसम से। अब मैं जाऊँगा कैसे, मेरे को तो कोई यही नहीं समझ आ रही मैं आगे कैसे जाऊँगा, मेरा घर तो आगे की तरफ है। और ये देखिए पेड़ के सामने, पेड़ के साथ बैठा है ये टाइगर जो है ना। ये देखिए मैं आपको फुल जूम करके, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा पता नहीं। ये देखिए एक तो आगे से पेड़ लगा है, जूम भी फट जा रहा, पता नहीं क्या है यार फोन की, समझ नहीं आ रहा यार। अभी आप ये देखिए दोस्तों, वो देखो मूवमेंट कर रहा है, वो देखो दोस्तों। अरे भाई, अरे अरे बाप रे दोस्तों, सामने देखिए टाइगर भाई साहब, मजा आ गया यार, इतना बड़ा टाइगर है ना, सही में सही में। दोस्तों आप भी बोलोगे ना कुछ, ये देखिए अभी ये अपना शिकार खा रहा है दोस्तों, ये देखिए ये कुछ शिकार खा रहा है, काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर मैंने यहाँ से गाड़ी बैक की ना तो ये मेरे ऊपर पक्का अटैक करेगा, और ना मैं आगे जा रहा हूँ और ना मैं पीछे जा रहा हूँ। देखो दोस्तों ये है टाइगर भाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है सही में। अगर अगर मैं यहाँ से भागा ना थोड़ा सा भी तो ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, वो तो सही हुआ मैं आज गाड़ी में आ रखा हूँ। अगर बाइक पे आता ना तो भाई साहब मेरी जान को कितना खतरा था यार। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा यार, दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, वो देखो दोस्तों। अरे भाई इतना बड़ा टाइगर पेड़ के सामने, अभी इसका मुंह नहीं दिख रहा है, अभी मुंह इसका अंदर की साइड है, ये कोई शिकार खा रहा है। इसने मेरे ख्याल से कोई डियर वगैरह या तो मार रखी है या कुछ और। ये देखिए उसकी पूंछ दिख रही है, आधा शरीर दिख रहा है, आधे से ज्यादा शरीर दिख रहा है, वो देखिए आधे से ज्यादा शरीर दिख रहा है इसका, ये देखिए। अरे बाप रे, रात के समय में भाई लिटरली, मैं ना पवन को छोड़ने गया था, हम पूरी रात, मतलब अभी 4 बज गए हैं सुबह के, और मैं ना पवन को छोड़ने गया घर की तरफ, उसको घर छोड़ के अपने घर जा रहा था। और ये देखिए दोस्तों,
अरे भाई इतना बड़ा टाइगर, अरे बाप रे। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ ना तो ये मेरे ऊपर पक्का अटैक करेगा। अरे दोस्तों सही में मेरे को तो डर लग रहा है अब। हम तो मतलब कि दिन में ऐसे चले जाते हैं जंगल में ना, भाई नहीं जाना चाहिए। ये देखिए अभी आपके सामने ही है ये चीज देखो। अभी शुक्र है मैं बाइक में नहीं आया हूँ, ये तो अच्छा हुआ मैं गाड़ी में आया हूँ। और ये देखिए ये कोई शिकार वो कर रहा है। ये देखिए ये उसकी पूंछ देखो दोस्तों कितनी बड़ी है, पूंछ देखो दोस्तों। अरे भाई साहब टाइगर देखो दोस्तों। और ये है भी देखिए, ये रोड है, ये मेन रोड है, ये रोड रोड की इस साइड पे बैठा है। ये देखो वो देखो, अब पता नहीं का, अरे साइड पे चले गया, उस साइड चले गया दोस्तों, वो देखो उधर की साइड चले गया। ये पक्का कोई शिकार खा रहा है। अभी गाड़ी से उतर भी नहीं सकता ना, अगर मैं उतर गया ना तो गलत हो जाएगा। अरे भाई साहब देखो तो यार, वो देखो वो पीछे की साइड बैठा है यार, वो पेड़ के उस साइड। भाई साहब बड़ा खतरनाक है यार ये, मैं तो यार गलत ही आ गया इस रास्ते से, अपने दूसरे वाले रास्ते से आता ना तो ज़्यादा सेफ रहता यार मैं। वो देखो दोस्तों पूछ उसकी, वो देखो। भाई बहुत डर लग रहा है, मैं हूँ भी अकेला यार। पवन भाई था, विकास भाई था, मैं तीनों को घर छोड़ के आ रहा था और रास्ते में ये चीज़ जो दिखी है ना मेरे को, कसम से इसने मेरे ना, ये देखिए अभी तक ये बाल खड़े हैं मेरे हाथों के, ये बाल खड़े हो गए हाथों के। ये देखिए आधी रात को जब दिखते हैं ना 4 बजे के टाइम में जानवर, मान गया यार दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हल्के हल्के मैं गाड़ी को बैक लेता हूँ तो ज़्यादा ना करके यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते। बाकी हम सॉरी अभी हम चलते हैं पीछे घर की तरफ। तो यार थोड़ा डर भी लग रहा है, अभी पता नहीं कहाँ चले गया, मेरे ख्याल से चले गया यार, अभी तो यहीं था यार, इधर की तरफ ही था यार टाइगर, इधर ही था यार, पता नहीं कहाँ गया दोस्तों। वो देखिए सामने दोबारा से दिखाई देने लग गया, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। अरे भाई साहब, तो दोस्तों यहाँ से हल्के हल्के मैं गाड़ी बैग लेता हूँ यार, यहाँ पे रुकने का ज़्यादा फायदा नहीं है यार, अगर मैं रुका ना पता चले साला झपटा मार गया मेरे ऊपर तो खाली लेने के देने पड़ जाएंगे। वो देखो, अरे भाई साहब चलते हैं यार, तो यहाँ पे रुकने का ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि पता चले ये हमारे ऊपर झपटा मार दे तो। ये देखिए दोस्तों ये कोई शिकार खा रहा अपना, पता चले लेने के देने पड़ जाए तो यहाँ से निकलने में फायदा यार। अरे भाई साहब, तो दोस्तों अभी चलते हैं घर की तरफ दूसरे रास्ते से, यहाँ पे जाना सेफ नहीं है क्योंकि वो भी अपना शिकार खा रहा है, अगर मैं मूवमेंट में आया तो वो भी मूवमेंट में आएगा तो यहाँ से ज़्यादा सेफ नहीं है यार सही में। तो यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार दोस्तों, आपके लिए